हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की मेरी जो वीडियो है वो वेट मशीन की नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब पर हैं और यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। तो यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं उन वीडियो को आप लोग देखते हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उन एप्लीकेशन के बारे में मैं इस वीडियो में आज बता रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो बिना इन एप्लीकेशन के आपकी वीडियो और आपका चैनल जो है वो बेजान है। इसलिए आपको इन एप्लीकेशन की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए और ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल होनी भी चाहिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है हमारा, मोस्ट पॉपुलर है, सभी जानते हैं, सभी को पता है, जब हम वीडियो बना लेते हैं तो उसको एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो हमें कई बार कट करनी होती है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं उनको करना पड़ता है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे काइन मास्टर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं नंबर दो पे हमारा पिक्सल ऐप। जब हम वीडियो बना लेते हैं तो हमको एक थंबनेल की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारा पिक्सल ऐप में बनता है। उसके बाद फिर आता है नंबर तीन पे ट्यूब बडी, हमें जो वीडियो चलाने के लिए टैग की ज़रूरत पड़ती है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा VidIQ। इससे हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी वीडियो का SEO देखते हैं, जो भी हम टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन डाला है उसका सारा ब्यूरो। और ये जो है सोशल ब्लेड, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें जो है किसी के भी चैनल का आप ब्यौरा ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं काइन मास्टर की। काइन मास्टर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप कोई भी वीडियो का पार्ट जो आपका अतिरिक्त तो बन गया है या कुछ ऐसा है जिसको आपको कट करना है, कुछ ऐड करना है, वो चीज़ें आप जो है वीडियो को एडिट करते हैं काइन मास्टर में। ये सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है। उसके बाद हमारा आता है पिक्सल ऐप। वीडियो जो हमारी लोगों तक पहुंचती है तो वो थंबनेल के द्वारा ही पहुंचती है। तो अट्रैक्टिव थंबनेल कहाँ पे बनाएं, उसका सबसे अच्छा जो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक बेहतरीन एप्लीकेशन है, तो वो है पिक्सल ऐप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा ट्यूब बडी। ट्यूब बडी में हम क्या करते हैं, अपने जो टैग हम लगाते हैं, टैग का इस्तेमाल करते हैं, SEO करते हैं, तो उस टैग की हम रैंकिंग को देखते हैं कि कौन सा टैग हमारा कितने नंबर पर रैंक कर रहा है, ये हम इस ट्यूब बडी एप्लीकेशन में देखते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा VidIQ। VidIQ में क्या करते हैं, VidIQ में हम देखते हैं अपने चैनल का SEO, मतलब टोटल टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, ये सभी चीज़ें हमारी, ये ट्यूब बडी की तरीके से ही है, लेकिन इसका ये बड़ा रूप है थोड़ा, इसमें ज़्यादा चीज़ें हम देख सकते हैं, टोटल SEO हम देख सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा सोशल ब्लेड। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें मोटिवेशनल के लिए हो सकता है ये, है ना, इसमें क्या करते हैं हम किसी के भी चैनल का पूरा ब्यौरा इसमें हम ले सकते हैं, किसी का भी चैनल का आप इसमें पूरा ब्यौरा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी जितने भी मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है, उन सभी एप्लीकेशन की मैं स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक करके वीडियो बनाऊं, तो आप वीडियो में यस लिखें और कहां कहां से आप वीडियो देखते हैं ये भी लिखें, क्योंकि मैं एक दिन वेट मशीन की वीडियो बनाता हूं और एक दिन अब मैं यूट्यूब की बनाया करूंगा, क्योंकि 100 लोग मेरी वेट मशीन की वीडियो देखते हैं तो 10 लोग वो भी हैं जो मेरे यूट्यूब पर मेरे जान पहचान के हैं, मुझे जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 10 लोग जो हैं उनके लिए भी वीडियो बनाई जाए, यही नहीं कि 100 लोगों के लिए ही वीडियो बनाई जाए, 10 लोग भी मेरे लिए वो मायने रखते हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, एक दिन यूट्यूब की वीडियो और एक दिन वेट मशीन की वीडियो। तो मुझे आप बताएं कि अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे आप यस लिखें और जहां से हैं आप वो बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।